ओके गाइस, सो यू नो दैट रेलवे इज़ द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। ये प्रिंसिपल मोड है किसके लिए? फ्रेट और पैसेंजर। फ्रेट यानी आप जो सामान जो लेके आते हो, जैसे मालगाड़ी होती है सामान लेके आती है, और पैसेंजर यानी पैसेंजर। तो रेलवे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी को मल्टीफेरियस एक्टिविटी करती है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए, साइट सींग के लिए, पिलग्रिमेज, ट्रांसपोर्टेशन गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन रेलवे बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, मोर देन 150 ईयर्स पुरानी, अंग्रेज़ों के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। और रेलवे हमारे देश की इकोनॉमिक लाइफ है, ये साथ साथ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी करती है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करती है। अगर इंडियन रेलवे का नेटवर्क देखा जाए तो 7031 स्टेशन है पूरे ऑल ओवर रूट, और उसकी लेंथ कितनी है लगभग हमारे देश में 63,221 किलोमीटर, जिसमें 7,817 लोकोमोटिव है, 5,321 पैसेंजर ट्रेन है, 4,919 कोचेज व्हीकल हैं, इतने इतने वैगन हैं, इतना ये है। ये एग्जांपल है आपके, ये डाटा है आपका 31 मार्च 2004 तक का, अब और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंडियन रेलवे देखा जाए तो लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट है, गवर्नमेंट के अंडर है। और फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखना, फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने के बीच कब? 1853 में। कितने डिस्टेंस कवर करी थी उसने? 34 किलोमीटर। ये NTSC के लिए आप लोग याद रखना। देखो, पहले ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, पहले रेज नैरो गेज की ट्रेन होती थी, लेकिन अब तक नहीं है, अब ये नहीं है ट्रेन, लगभग अब ब्रॉड गेज की ट्रेन है सारी की सारी। अगर आपने देखा होगा तो पहले जो ट्रेन होती थी उनका कलर रेड होता था, छोटी छोटी मीटर गेज नैरो गेज की ट्रेन होती थी वो। तो हमारे देश में इंडियन रेलवे कितने जोन है? 16 जोन, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी जोन्स हैव इंडियन रेलवे, सो 16 जोन्स। और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे का, बहुत ही ज़्यादा लार्जली इन्फ्लुएंस करता है। किस चीज़ों पे डिपेंड करता है रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न? उसकी फिजियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, ये सारे के सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि रेलवे का नेटवर्क कैसा होगा हमारे देश में। देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन है वो, बहुत ही वास्ट लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, एग्रीकल्चरली रिच है, तो एक तरह से फेवरेबल कंडीशन है रेलवे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि रेलवे प्लेन एरिया में आप इजीली बिछा सकते हो। और लार्ज नंबर ऑफ रिवर हैं, तो हमारे देश में कई बार कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोस्ट सम ऑब्स्टेकल, जो रिवर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रिज हमें बनाने पड़ते हैं। और हिली ट्रेन है पेनिनसुलर रीजन में, वहाँ पे रेलवे ट्रैक हिली के थ्रू, मतलब हिल में बिछाने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टनल्स भी बनानी पड़ती हैं, तो रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और देर आर मैनी अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिकॉज ऑफ हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सो इसलिए, और कई बार आपको पता है कि राजस्थान का जो सैंडी प्लेन है वहाँ भी आप रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, गुजरात का जो स्वाम्पी एरिया वहाँ भी नहीं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द गैप एंड पासिज घाट, जो सह्याद्री है आपका यानी वेस्टर्न घाट है, वो सिर्फ आप घाट के थ्रू यानी पासिस के थ्रू क्लियर कर सकते हो, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर गुड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। इट हैज़ ऑल्सो बीन फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन द स्ट्रेचेज एंड द लैंडस्लाइड। तो जो ये देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट से अगर कोंकण रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को आसान किया है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लैंड ट्रैक जो ट्रैक हैं वो सिंक हो जाते हैं, टूट नीचे धस जाते हैं, तो कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आज के दिन देखा जाए तो रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी टुगेदर विद ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। हाउएवर, रेल ट्रांसपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पैसेंजर होते हैं बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, दूसरा चोरियां होती है, इंडियन रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, और पीपल बिना बात ट्रेन पुलिंग चेन पुलिंग करते हैं अननेसेसरी, जिससे कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है इंडियन रेलवे को। सो थिंक ओवर इट एंड हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, और किस तरह से हम अपने रेलवे को शेड्यूल टाइम पे रन कर सकते हैं। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द रेलवे एज वेल, सो दिस इज़ अबाउट योर रेलवे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस पाइपलाइन। थैंक यू।